स्मृति का विकास होना, बुद्धि का विकास होना, यह बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ बुद्धि में भगवत प्रसाद प्रकट होना, ये सर्वोपरि है। प्रसादे सर्व दुखानाम, उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है और आत्म परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। ओ बुद्धि उस आत्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती। जैसे लोहे की पुतली पारस में प्रतिष्ठित हो गई, अब उसको दलदल में डाल दो तो जंग नहीं लगेगी, ऐसे ही बुद्धि एक बार आत्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गई, फिर संसार के व्यवहार में दलदल में उसको राग द्वेष आदि दोष और कर्म बंधन नहीं लगता। और बुद्धि परब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित होने के बाद वो निर्लेप हो जाता है। और निर्लेप व्यक्ति के लिए ऐसी ऊंची उपलब्धि है कि स्वर्ग का राज्य और इंद्र भी उस निर्लेप व्यक्ति के आगे अपना मत्था टेक के भाग्य बना सकता है। इतनी ऊंचाई मनुष्य जीवन की है। रामायणकार ने कहा, तुलसीदास ने, तीन टूक कॉपी न की भाजी बिना लूण। सुखदेव जी महाराज शबरी भीलन अथवा ऋषभ देव राजपाट छोड़कर चले गए थे। ऋषभ देव कोई भिख मंगे नहीं थे, अजनाब खंड के एक छत्र सम्राट थे और उनका बेटे ने भी इतना सुंदर राज्य किया कि अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष बड़ा। और वो भी महापुरुष राजपाट छोड़कर उस बुद्धि के परम लक्ष्य परमात्मा को पाने के लिए गंडकी नदी के किनारे साधना करने चले गए थे भरत। ये मनुष्य जीवन की कितनी महानता है कि एक छत्र सम्राट ऋषभ देव राजपाट अपने बेटे भरत को देकर चल पड़े थे, बुद्धि को उस आत्मा परमात्मा में प्रतिष्ठित करने को। और राजपाट की सुंदर व्यवस्था ऐसी हुई कि अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा और वो भरत गंडकी नदी के किनारे चल पड़े, झोपड़ी बांध कर रहते थे, संध्या करते थे, सुबह दोपहर शाम। तो नाभि से नीचे कुंडलनी शक्ति होती है, सबके अंदर है। तो सुबह की संधि दोपहर के 12 बजे और शाम को सूर्यास्त के पहले वह नाड़ी का मुख खुलने की व्यवस्था सुंदर होती है। अगर वह त्रिकाल संध्या करे आदमी तो कुछ वर्षों में उसकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती और उसकी प्रज्ञा में दिव्यता आ जाएगी और परमात्मा प्राप्ति का विवेक वैराग्य रिद्धियां सिद्धियां सब आने लगेगी। तो अजनाब खंड के एक छत्र सम्राट भरत संध्या कर रहे थे दोपहर की, सूर्य को अर्घ दे रहे थे। गर्भवती हिरणी पानी पीने को आई, भूखा शेर धाड़ा, भय के मारे हिरणी गंडकी नदी के उस पार गुफा में जा पहुंची, लेकिन गर्भपात हो गया, बालक बच्चा गिर गया पानी में। प्रजापालक राजा भरत हिरणी के बच्चे को अपने साथ ले आए, पाला पोषा, दूध पिलाते। बच्चा तो कुत्ते का भी प्यारा लगता है, मनुष्य का भी प्यारा लगता है और हिरण तो वैसे ही प्यारा। तो हिरण को बिठा कर बोले, संध्या कर, जप कर, ध्यान कर। अब मनुष्य का बच्चा संध्या नहीं कर सकता जल्दी से, तो हिरण का बच्चा क्या करेगा। तो जहां प्रीति करनी चाहिए उस जगह पर प्रीति नहीं कर पाए और हिरण में प्रीति हो गई। हिरण बड़ा हुआ, उछला कूदा, एक दिन कहीं चला गया तो मृत्यु का समय आ गया। हिरण का चिंतन,
उसको कहीं बघेड़ा न खा गया हो, उसका क्या होगा। भरत भूल ही गए कि इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया ईश्वर के सहारे। तो हिरण का भी अपना प्रारब्ध होगा, उसका क्या होगा, बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बेटी का क्या होगा। ऐसा सोचकर मनुष्य जगतनीयता की महानता में अपना अहंकार ठोकता है। मेरे बिना पत्नी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, हिरण का क्या होगा। हिरण का चिंतन करते करते मरे तो दूसरे जन्म में हिरण हो गए। इसलिए आप कृपानाथ चिंतन को इधर उधर न लगाइए, चिंतन को इतना तुच्छ जगह पर न लगाइए कि आपका मनुष्य जीवन कहीं हिरण, कहीं घोड़ा, कहीं गधा या कहीं और योनियों में भटके ना। इसलिए आप इस अपने चिंतन को ईश्वर में लगाइए। ईश्वर में लगाने के लिए ईश्वर का ज्ञान सत्संग से मिलेगा, ईश्वर का मंत्र सद्गुरु से मिलेगा, ईश्वर की प्रीति ईश्वर को अपना मानने से होगी। जिसको अपना मानते वहां प्रीति होती है। कुत्ता कई जगह पर पिचकारी करता है, आपको कोई हरकत नहीं, लेकिन आपके जूते पर कुत्ता पिचकारी करे तो चमक जाओगे। जूते को अपना मानते हो तो जूता प्यारा लगता है। अगर ईश्वर को अपना मानो और ईश्वर प्यारा लगे और उसका नाम ले लो तो तुम्हारा मंगल हो जाए, तुम्हारा दीदार करने वाले का मंगल हो। रोज सुबह उठो, प्रभु तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा, तुम अंतर्यामी हो, तुम मेरे हो कि नहीं, हो ना, हो ना। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन नहीं तो चौथे दिन, पांचवें दिन अंतरात्मा हाँ बोले तब उसका पीछा छोड़ो। आपके जीवन में रस आने लगेगा, आपका चिंतन मंगलमय होने लगेगा, आपका व्यवहार निर्भार होने लगेगा, आपका स्वास्थ्य सहज में ही रसमय होने लगेगा और आपकी बुद्धि में सत स्वरूप परमात्मा का प्रकाश आएगा, सत बुद्धि मिलेगी। बुद्धि तो मच्छर के पास भी है, खटमल के पास भी बुद्धि है पेट भरने की, कैसे छुप जाता है, कब निकलना, कब काटना, कैसे चटकना। मच्छर को भी अक्ल है, बापू की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होता, इतनी बुद्धि मच्छर के पास भी है। ये तो पेट पालू बुद्धि है, लेकिन बुद्धि योग अपने हृदय में छुपे हुए हृदयेश्वर ईश्वर को पाना, ये सत्संग से बुद्धि योग मिलता है। भाषण अलग बात है, लेक्चर अलग बात है, कथा अलग बात है, भजन मंडली के कवालियां की भीड़ अलग बात है। आप अभी सत्संग सुन, एक घड़ी आधी में पुनि आधा, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, करोड़ों पापो तापो को हरने वाला सत्संग आधी घड़ी बहुत हो जाती, बहुत सुखदाई। आप सत्संग सुन रहे तो वह हिरण के चिंतन में हिरण तो हुए, लेकिन किया हुआ संध्या, किया हुआ प्राणायाम, किया हुआ जप, वो भी अपना जलवा तो दिखाएगा। हिरण के शरीर में अगले जन्म की स्मृति बनी रही। एकादशी के दिन उपवास रखता था वह हिरण, अजनाब खंड का एक छत्र सम्राट हिरण के शरीर में। कैसी है काल की गति, कैसी है समय की धारा, कैसी है थोड़ी सी लापरवाही कितना कष्ट दे रही। वह बुद्धिमान हिरण अकेले पड़ा रहता था। जब हिरण का शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ तो एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और उसने नाम रखा भरत। याद था कि थोड़ी लापरवाही की, संसार में मन लगा हिरण में, संसार का आश्रय लिया, हिरण का आश्रय लिया तो हिरण के शरीर में भटका। ईश्वर का आश्रय छोड़कर कहीं भी आश्रय लिया तो वो बंधा देता है, फंसा देता है। हकीकत में सभी प्राणियों का आश्रयदाता परमात्मा ही है, लेकिन गलती से हम दूसरे का आश्रय ढूंढ ढूंढ के दुखी हो रहे। बोले महाराज, धन का आश्रय बिना कैसे काम चलेगा, सत्ता के आश्रय बिना कैसे काम चलेगा,
पति पत्नी के आश्रय बिना कैसे काम चलेगा? भैया आप नींद में जाते तो किसका आश्रय लेते हो? बताओ, धन का आश्रय लेकर नींद हो सकती है क्या? पत्नी का आश्रय चालू हो तो नींद आ सकती है क्या? हीरे हैं, जवाहरात हैं, प्रमोशन का लेटर है, देखते पढ़ते आखिर उन सब को सिराने रखकर आप किसका आश्रय लेते? सब आश्रय छोड़ देते तब नींद आती। जब सब आश्रय छूट जाते हैं तो नींद आती, और नींद से आप दूसरे दिन सुयोग्य बन जाते, काम करने के योग्य बन जाते, विचार करने के योग्य बन जाते, कर्म करने के योग्य बन जाते, कुश्ती करने के योग्य बन जाता पहलवान। भरत बुद्धू बनकर जी रहे, स्कूल में गए, जानते सब है लेकिन अनजान हो गए। पेट भरने की विद्या के बिना भी पेट भर लिया जाएगा, अब तो हृदय भरने की विद्या में मन लगाया है। मास्टर ने कहा ये बुद्धू पढ़ेगा नहीं, खेत में लगा दिया। अजनाब खंड के राज्य को चमकाया तो भारत नाम पड़ा। वो आदमी को खेत में और स्कूल में आगे आने में क्या देर लगती है, लेकिन अब बुद्धि को नश्वर की शरण में नहीं लगाऊंगा, शाश्वत की शरण में लगाऊंगा। अनित्य के आश्रय में नहीं लगाऊंगा, नित्य के आश्रय में प्रतिष्ठित करूंगा। गांठ बांध ली थी बुद्धिमान भारत ने। मूर्ख लोग उन्हें मूर्ख भरत कहते थे, देर सवेर उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। घर वालों ने कहा न खेत खली के काम आते हो, न पढ़ने लिख के काम आते हो, और खेत में कहीं छुपे पड़े रहते, चुपचाप मूर्ख की नाई। उनकी बहन थी सहोदरा, भरत के पिता की दो पत्नियां थी, ये दूसरी पत्नी के पुत्र थे, पुत्री थी। तो वो बहन ध्यान रखती कि भैया ने खाया कि नहीं, धीरज उसका नाम था। तो कहीं खेत खली में छुपे रहते, श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। जिसकी सत्ता से हाथ उठता है वो चैतन्य में हूं। बाप रे कितनी ऊंची साधना है। जिसकी शक्ति से आंख देखती है वो चैतन्य आत्मा में हूं। जिसकी सत्ता से जीभ चखती है वो चैतन्य मैं हूं। जिसकी सत्ता से मन संकल्प और विकल्प करता है, उसके संकल्प विकल्प बदल जाते, फिर भी जो जानता है वो मैं हूं। बाप रे कितना ऊंचा ये मंत्र और गुरु की कृपा। माला श्वासो श्वास की, जगत भगत के बीच जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। जो नीची साधना में, नीची शरण में उलझे, वे ऐसी ऊंची साधना नहीं कर सकते। भरतीय ऊंची साधना में लगे थे, ऊंचे गुरु मिले थे। दबंग गुरु मिलते तब ऐसी साधना होती। एक दिन धीरज खोजते खोजते थक गई, मेरे भैया ने खाया नहीं, कहां होंगे? खेतों में, खलियों में। उस जमाने में तो खेत भी लंबे चौड़े, पब्लिक कम थी, खेत भी लंबे चौड़े, 50-50, 100-200 एकड़, 500-500 एकड़। तो धीरज उनको खोजती रही। धीरज ने धीरे से देखा कि वो हो जहाँ घनी खेत में कुछ झाड़ बाड़ रख देते ना वैसे ही, और कहाँ खड़ा भी है और घना झाड़ी है, वहाँ दो व्यक्ति का आवाज आ रहा है। देखा तो मेरा भाई जो जड़ है नहीं बोलता है, वो नारद जी से बात कर रहा है। और धीरज ने सुना कि जड़ भरत कहते हैं कि मुझे मेरी बहन धीरज की चिंता है, महाराज आप कृपा करो कि उसका कहीं उचित जगह पर संबंध हो जाए, फिर मैं यहां से चल दूंगा। देवऋषि नारद ने कहा अच्छा हो जाएगा। धीरज पहुंच गई, नारद जी अदृश्य हो गए। मनुष्य में कैसी कैसी शक्ति है कि देवऋषि नारद को बुलाकर बात कर सकता है, कैसी बुद्धि थी।
तीन दिन के बाद एक बड़े शाही घराने से धीरज का मांगा आया और धीरज की शादी हो गई और जड़ भरत चल पड़े जंगल की तरफ। जड़ भरत कंदमूल खाते और जंगल में विचरण करते थे। सिंध सौरभ देश का राजा रहुगण ऋषि के आश्रम में जा रहा था शांति पाने के लिए। पालखी उठाने वाले चार कहारों में से एक को दस्त हो गए थे, तो बोले जाओ जंगल में कोई आदमी घूमता हो तो उसको बेघर कराने के लिए पकड़ के ले आओ, तो इसी को पकड़ के ले आए। अब जहां कीड़ा मकोड़ा देखे तो दयालु भरत उनको बचाने के लिए जंप मारे तो राजा की खोपड़ी टकराए पालखी में और राजा वक्रोक्ति से सुनाए कि तू इतना मोटा ताजा दिखता है लेकिन दुबला है, आंखें नहीं है, ऐसा है वैसा है, कुछ के कुछ सुनाए, लेकिन जड़ भरत को पीड़ा नहीं होती थी। अपने को कोई दो शब्द सुना दे तो पीड़ा हो जाती, गुस्सा आ जाता है, क्या समझता है। जड़ भरत मंद मंद मुस्कुराते और फिर कहीं कीड़ा मकोड़ा आता तो उसी ढंग से उसे भी सवाए ढंग से मार देते छलांग और फिर वो टकराती खोपड़ी, वो फिर वक्रोक्ति से डांटता और इतना खफा हुआ कि है नादान है नाल, मैं गालियां नहीं दे सकता हूँ, आप समझ लेना, मैं नीचे उतरूंगा और तेरी खाल उतार दूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा, मैं सिंध सौरभ देश का एक छत्र सम्राट, मेरे राज्य के फल खाता है और मेरी पालखी उठाने में इतना करता है, तुझे दंड दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। चित्त शुद्ध नहीं हुआ लेकिन हृदय में दया उभरी कि कुछ भी है अपना पाला हुआ बच्चा है। जिस हिरण को पाला था वही हिरण संत के हाथ का रज का या दूध पीकर सौ सौ जन्म के बाद हिरण में से मनुष्य बने और पुण्य हो तब राजा बने। योगेंद्र सीधा राजा बना है और फिर संत के पास जा रहा है, वही हिरण बच्चा है। बोलने दो, पिता के कंधे पर बैठकर पिता की दाढ़ी मोच नोचने वाले बच्चे पर पिता क्या कुपायमान होते हैं क्या? उसके कोमल कोमल हाथों से पिता को तो मजा आता है। अकबर की दाढ़ी नोचता था अकबर का लाल, तो सोने के कंगन पहना दिए, ले ये इनाम में। तो भरत हंस रहे और दया आ गई और बोल चुके कि राजन तू किसको मारेगा, एक मिट्टी का पुतला उस पर पालखी और पालखी में बैठा दूसरा मिट्टी का पुतला, एक मिट्टी का घड़ा दूसरे मिट्टी के घड़े को तोड़ देगा तो उसके अंदर आए हुए आकाश का क्या टूटेगा। रहुगण समझ गई कोई महापुरुष है, कूद पड़े चरणों में कि आप इस साधारण मवाली के रूप में घूमने वाले कोई महापुरुष हो, मैं राजा रहुगण हूं। तब भरत ने कहा अहम पूर्वा भरत नामो राजा। पूर्व काल में अजनाब खंड का एक छत्र सम्राट जो भरत हो गया मैं वही था, मेरा राज्य नहीं रहा तो तेरा सिंध सौरभ एक प्रांत कब तक रहेगा, इन चीजों की शरण कब तक लेगा, उसकी शरण लो जो कभी मरता नहीं, कभी पैदा नहीं होता और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, उस एक की शरण लो। धन की शरण, पत्नी की शरण, बचपन में खिलौनों की शरण, दोस्तों की शरण, वो शरण टिकती नहीं और परमात्मा की शरण कभी मिटती नहीं, तुम ईश्वर की शरण लो। ऐसा करके ईश्वर तत्व का ज्ञान दिया और रहुगण राजा को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। लाखवां ऐसा बुद्धि नहीं, बुद्धि पूरी विकसित हो गई, ईश्वर को पा लिया। आप वो कथा सुन रहे जिससे हजारों हजारों कपिला गौदान करने का फल होता है, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है, आप वो सत्संग सुन रहे। रहुगण राजा ने उनका सम्मान करके पूजन किया। तब जड़ भरत कहते कि जब तक ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के चरणों की रज सिर पर नहीं चढ़ती और उनके आत्मज्ञान के सत्संग को आत्मसात नहीं करता तब तक इस जीवात्मा का दुर्भाग्य नहीं मिटता। बड़े में बड़ा दुर्भाग्य कि जन्मना और मरना, जन्मना और मरना।
आपने धन कमाया, आप पत्रकार हो गए, आप पत्र के मालिक हो गए, अखबार के संपादक हो गए, मुख्य संपादक हो गए, आप अखबार के डायरेक्टर बन गए, कई अखबारें देश विदेश में आपकी चलती, कई चैनलों के मालिक हो गए, कई राज्यों में आपकी संपत्ति हो गई। लेकिन भैया मृत्यु तो आएगी और सब छूट जाएगा, फिर जीवात्मा अनाथ होकर चला जाएगा और बरसात में बादलों के द्वारा, वृष्टि के द्वारा, चंद्रमा के किरणों के द्वारा अन्न में फल में स्थित होता है जीव। फिर हिरण ने खाया और हिरणी के गर्भ में गर्भ मिला तो रहेगा हिरण का बच्चा, नहीं तो पेशाब में बह जाएगा। ये दुर्भाग्य है ना। घोड़े में गधे में गर्भ मिला तो गधी में रहा, नहीं तो बह जाएगा। मनुष्य के पत्नी में रहा गर्भ तो रहेगा, मनुष्य बनेगा, नहीं तो बाथरूम में बह जाएगा ना बेटा। इस दुर्भाग्य को मिटाने की योग्यता मनुष्य के पास है। जन्म मरण का बड़े में बड़ा ये दुर्भाग्य का चक्र है, इसको तोड़ने की ताकत मनुष्य शरीर में, मनुष्य बुद्धि में।